कादरी भाई के आवास करती थी सिकंदराबाद, जिसमें हम लोगों ने वहाँ फैसला लिया था कि जो भी समस्याएं उनको लेकर बात करेंगे और प्रदेश के सारे लोगों के साथ लखनऊ में एक दिन बैठेंगे। तो हम लोगों ने सैटरडे को यानी लास्ट शनिचर को लखनऊ में प्रदेश के 9 जिले के लोगों को बुलाया, इसमें मुबारकपुर हो गया आपका, आजमगढ़ हो गया, जहानागंज हो गया, कासगंज हो गया, मेरठ हो गया, गंजुरवाड़ा हो गया, संतवी नगर हो गया और इधर गोरखपुर हो गया। ऐसे जहाँ बुनकरी का काम होता है 9 जिलों के लोग वहाँ पर हम लोग को बुलाने पर आए। सबका मसला यही है कि रेट बहुत ज़्यादा, रेट को कम किया जाए। हम मसले के साथ हमारे सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उसमें हमारे समाज का एक मंत्री है दानिश आज़ाद अंसारी साहब, तो हम लोग उसके पास गए, सारी बातें उसने सुनी, एक घंटे डेढ़ घंटे का हम लोग को समय दिया, सबकी बातें सुनी, अपनी बातें भी गई। और वही जो हम अपने समाज में बात करते हैं कि कुछ लोगों ने कर दिया, ये किया, वहाँ भी यही चीज़ें मीटिंग होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इतनी जल्दी फैसले नहीं बदलते, थोड़ा इसमें हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। जुलाई 2018 से फ्लैट रेट के बारे में संघर्ष होता रहा, पता नहीं था, अप्रैल 2023 को वो कन्फर्म हुआ हम लोग का फ्लैट रेट, यानी 4-5 साल हम लोग लड़े उसके लिए। अब ये रेट जो बढ़ा है इसके लिए भी लड़ाई लड़नी होगी, उम्मीद इसलिए ज़्यादा हमको दिख रही हो जाएगा क्योंकि अगला चुनाव होना है 2024 में, और जो इन लोगों की अपनी इंटरनल रिपोर्ट है वो यूपी में 40 सीट को हारने की रिपोर्ट है, तो इसलिए ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें भी ये थोड़ा अपना विरोध और तेज करना होगा। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम सड़कों पर ही उतर जाएँ, विरोध का मतलब ये होता है कि हम अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से चीज़ों को पहले उनके बात तक पहुँचाएँ, चिट्ठी पत्र का सिलसिला कायम रखें, बातचीत का सिलसिला कायम रखें, आने जाने का सिलसिला कायम रखें, ताकि उनके यहाँ बात है कि जो कोई भी आंदोलन होगा तो जाना वही है बातचीत करने के लिए। हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है, सीधा मंत्री जी के पास हम लोग की चीज़ें पहुँच चुकी है और मंत्री जी ने सीधा योगी जी को अवगत करा दिया है। और जिस दिन योगी जी का जन्मदिन था हमारे गोरखपुर के बुनकर साथी उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री के भी ये चीज़ संज्ञान में हो गई है कि रेट बहुत ज़्यादा है, बुनकर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको चला नहीं सकता, 1-2-3 महीने जो दे पा रहे हैं वो विभाग की ज़बरदस्ती की वजह से दे रहे हैं कि कनेक्शन ना कटे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हीं पर चर्चा के लिए इस जो मीटिंग है इसकी सदारत के लिए मैं हाजी साहब का नाम मुंतखब करता हूँ, और हमारे अशरफ भाई हैं, आयात भाई हैं, सीनियर उनका लीडर है, मैं इन लोगों का भी खैर मकदम करता हूँ कि अपने अपने विचार रखें और कैसे कि इस लड़ाई को लड़ी जाए कि वो चीज़ें आसानी से हो जाए। और जो बातें हुई हैं धीरे धीरे सारे लोग बताएंगे, सहबाज भाई हैं, तकबीर भाई हैं, सारे लोग गए भी थे, यहाँ से 7-5 लोग गए थे और बाकी आधा थे, सब पूरे 26-27 लोग हो गए थे वहाँ पर, तो एक अच्छा डेलीगेशन रहा, बातचीत भी अच्छे माहौल में हुई, कुछ मुसबत भी चीज़ें हुई, उन्होंने कहा कि हम जल्दी आप 12-13 लोगों को फिर बुलाएंगे, सचिव प्रमुख सचिव से, बिजली प्रमुख सचिव और कपड़ा प्रमुख सचिव से मुलाकात कराएंगे, ये बात उन्होंने हम लोगों से बताई। तो एक हफ्ते हो गया, फिर उनको मैं थोड़ा सा कॉल करूँगा, फिर जल्दी मीटिंग करें, जितनी जल्दी जल्दी मीटिंग होती रहेगी उतनी जल्दी हम लोग को आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। और सरकार का जो बजट है यूपी का वो 5,00,000 करोड़ रुपए है, और हमें जो सब्सिडी उनका घटाने की जो उनको ज़रूरत है 25-30 करोड़ है, यानी सालाना 25-30 करोड़ का भार उन पर बढ़ेगा, तो उनके लिए 25-30 करोड़ कोई माने नहीं है, वो एक चुटकियों बजाय भी कर सकते हैं, लेकिन है वही कि हम लोग थोड़ा सा एक पार्टी से जो खूंटा बना हुआ था इंशाल्लाह वो खूंटा इस बार हम लोगों ने तोड़ दिया, तो ये जो ठप्पा लगा हुआ था, क्योंकि ठप्पा जब किसी पर ना चाहता है तो वो ना चाहते हुए भी आपका काम का चाहता तब भी नहीं करता, जब आपने ठप्पा इस बार छुड़ा दिया है तो ठप्पा बिल्कुल छुड़ाए रही है। एक बुनकर के साथ ये नहीं चाहिए, ये फला का आदमी है, जिस दिन आप फला के आदमी घोषित हो जाते हो फिर आपका काम होना वही बंद हो जाता है, जिस दिन आप एक आम वोटर रहोगे जिसको चाहो उसको दो, कभी अपने साथ ये टैग नहीं लगाना चाहिए कि हम फला के वोटर, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। और सबसे ज़्यादा बुनकरों का इस्तेहसाल सपा सरकार में हुआ है, ये भी जान लीजिए, ये जो सब्सिडी खत्म हुई है
उसमें अखिलेश यादव का बहुत बड़ा रोल है। 2016 में अखिलेश ने इस डिपार्टमेंट को हथकरघा विभाग में सौंप दिया। पहले सब्सिडी क्या होती थी, सीधा वित्त विभाग ऊर्जा विभाग को पेमेंट कर देता था, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। एक मीडिएटर 2016 में हथकरघा को लाकर खड़ा कर दिया। जब से हथकरघा आया तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप सोचिए कि 150 किलो वाट तक सबको सब्सिडी मिलती थी 65 रुपये, तब 950 करोड़ बनती थी। आज योगी जी सब्सिडी दे रहे हैं 345 करोड़, और फ्लैट रेट कितना कर रहे हैं, 400 भी हो गया है और 5 किलो वाट भी कर दिया गया है। एक सीधा सा गणित देखिए, अगर 150 किलो वाट की सब्सिडी 65 रुपये के हिसाब से 950 करोड़ की है, तो 335 करोड़ में कितने लोगों को मिलेगा, जाहिर बात है 50 से ज़्यादा मिलेगा। तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। और ये जो सब्सिडी है 5 किलो वाट तक के बुनकरों को फ्लैट रेट रखा गया है, बाकी लोगों को पैसा देने की बात की गई है। जिनका 8 किलो वाट का अगर कनेक्शन है तो उनको ज़्यादा फायदा है। आपका लूम चले या ना चले 5 किलो वाट तक का, आपको पेमेंट 400 रुपया देना है। उन लोगों को बिल देना है, लूम चलेगा तो बिल देना पड़ेगा, लूम नहीं चलेगा तो बिल नहीं देना पड़ेगा। 9100 रुपया उनको मिलना है, तो कट जाना है उनका 200 रुपया लूम पड़ जाएगा। अगर मोटे मोटे गणित से देखें तो बड़ा इसमें टेक्निकल झोल भी है। तो उस सारी चीज़ों को बात हम लोगों ने मंत्री जी से कही है, और जो शासनादेश में दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने की बात की गई है। तो आप लोग सहयोग कीजिए, सहयोग इतना कीजिए कि जिनका जिनका कनेक्शन है इस कांडा में, बुनकरों के 10,000 कनेक्शन है, 10,000 में से कम 5,000 लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकते कि नहीं लिखते कि हमारा जो फ्लैट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको हम जमा करने में असमर्थ हैं, ये हमारा जो सनात है, ये हमारा कारोबार है, बंद हो जाएगा अगर इसी रेट से चलता रहा। तो कम से कम आप लोगों को एक चिट्ठी डालनी होगी ताकि वहाँ पता चले कि हाँ भाई, जो बुनकर है वास्तव में परेशान है। हम यहाँ अपने चाय खानों में बैठ के, अपने मोहल्लों में बैठ के कुछ भी बात कर लें, उनसे कुछ नहीं होना। एक एक बच्चा बात कर ले, कुछ नहीं होना, जब तक बात सरकार के यहाँ नहीं पहुँचेगी कि बुनकर परेशान है, बुनकर को ये चाहिए। उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होती, समस्या हम लोगों को क्या है, एक छोटी रकम है हम लोगों के लिए, 400 बहुत बढ़िया है सरकार के नज़रिए से, या जिन लोगों के पास आमदनी है उनके लिए 400 कोई माने नहीं है। तो हमको अपनी व्यथा बतानी है कि 400 रुपया हम कैसे नहीं दे पाएंगे, किस चीज़ को उनको समझाना है, बताना है। तो सारी चीज़ें समझते सब लोग। मैं अब आगे के लोगों से कहूँगा, हाजी साहब आप भी अपनी कुछ राय रखें।